नमस्कार, मैं हूं संजय वरोदिया और आप देख रहे हैं दोंदरा एक्सप्रेस न्यूज। 20 मई मुख्य समाचार। सागर मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ, आज 11 मरीज और कोरोना पॉजिटिव हुए, कुल मरीज 108। नवागत कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने पदभार किया ग्रहण। देवरी में टिड्डी दल का हमला। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 11। 26/5 को बुंदेलखंड के वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 11 मरीज जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें से 8 सदर निवासी हैं, जिसमें 2 पुरुष है और 6 महिला है। उसमें एक महिला जिनका की डिलीवरी हुई है, तो उनको बच्चे के साथ में उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इसके साथ में अगला जो मरीज है वो ग्राम मोठी बहरिया थाना बांद्री का 22 वर्षीय पुरुष है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके ट्रेवल हिस्ट्री मुंबई से ये लौटा है 19 तारीख को। अगला एक 40 वर्षीय पुरुष जो कि मोमिनपुरा निवासी है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अगला 62 वर्षीय पुरुष जो कि गुरु गोविंद सिंह वार्ड के निवासी है। इस प्रकार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 106 हो गई है एवं वर्तमान में जिनका इलाज चल रहा है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उनकी संख्या 74 है। इसके साथ ही साथ एक खुशखबरी भी है कि आज 8 मरीज जो स्वस्थ हो गए थे उनको यहां से डिस्चार्ज किया गया है। मरीज और पॉजिटिव कुल 108 हुए। नवागत कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय में स्थानांतरित कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक से कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर आदित्य शर्मा भी उपस्थित थे। देवरी में टिड्डी दल का हमला। किसानों के खेतों में पहुंचा टिड्डी दल। किसानों की मूंग उड़द सब्जी जैसी फसलों को हो सकता है नुकसान। किसानों ने खेतों में थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया। रायसेन जिले के सीहर मऊ से सागर जिले में प्रवेश कर रहे टिड्डी दल को लेकर सभी किसान चिंतित हैं। बड़ी मात्रा में सीहर मऊ से टिड्डी दल केसली विकास खंड के पटना ग्राम से होते हुए देवरी विकास खंड के नंदना, मुआर, कंजेरा, चिखली, जमुनिया, बेलढाना, सिलारी, करकबेल, करवला, बेलढाना, चीमाढाना, पुरैना, कुसमी, सूरादेही गाँव में टिड्डी दल पहुँचा। बड़ी मात्रा में पहुँची टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। जमीन से कुछ ऊंचाई पर आसमान के नीचे हवा में उड़ती टिड्डी किसानों के खेतों में लगी मूंग उड़द सहित सब्जियों की फसल एवं पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हुए आगे की ओर बढ़ी जा रही हैं। टिड्डियों से फसलों को नुकसान होने से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए उपाय अनुसार किसानों ने खेतों में थालियाँ बजाना शुरू की ताकि टिड्डी दल उनके पास फसलों को छोड़कर आगे बढ़ जाए। देवरी क्षेत्र में टिड्डी दल के पहुंचने पर किसानों की फसलों का नुकसान होने के अनुमान को लेकर देवरी के विधायक श्री हर्ष यादव ने राजस्व अधिकारी एसडीएम आर के पटेल को ज्ञापन सौंपा है एवं किसानों की फसलों का सर्वे करते हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।